सूरत के गौरव पथ पर आए महालक्ष्मी पार्टी प्लॉट में एनओसी फाउंडेशन की तरफ से आदि जाति समाज के लोगों के लिए एक विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें नागालैंड, झारखंड जैसे कई राज्यों से आए आदि जाति के भाई बहनों ने अपनी कला के माध्यम से आए हुए मेहमानों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शेड्यूल ट्राइब कमीशन के चेयरपर्सन श्री नंद कुमार साई जी को आमंत्रित किया गया था। श्री साई ने कहा कि आदि जाति के लोगों ने हमेशा ही भारत माता की रक्षा के लिए बलिदान दिया है और उन्होंने बीजेपी सरकार की शेड्यूल ट्राइब की योजनाओं की सराहना की और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज में। इस वक्त हमारे साथ में शेड्यूल ट्राइब के कमीशन के चेयरपर्सन मिस्टर नंद कुमार साई उपस्थित है। उनके पास से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम में आकर के और सूरत में आकर के इनको कैसा लग रहा है। सर, कैसा लग रहा है आपको? सूरत का सूरत तो बहुत खूबसूरत है। सवाल जनजातियों से संबंधित कुछ कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, कल भी है और कुछ हम एक बैठक 7 तारीख को करेंगे, उसके बाद लौटेंगे। जनजाति समाज के हितों के लिए जो योजनाएं हैं, जो सरकार के अलग अलग कार्यक्रमों हैं, इनका परीक्षण करने का काम कमीशन करता है। मोदी जी सभी समाज के हितों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत योजनाएं बनाई हैं। संपूर्ण दुनिया में देश को उसकी जो असली रंग है, असली छवि है, उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत एक समर्थ भारत के रूप में खड़ा हो इसका प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें भागीदारी अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का, अन्य जो गरीब समाज है, उस सबका भी साथ हो।